से बात कर लो। सुबह सुबह हम उठ गए हैं 6 बजे, बोल दो। सुबह 6 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं, मैं उठ गया हूँ। मैं अपने दिन का ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ बोल दो, ऐसे कौन छोटा है और दोस्तों नहीं। ब्लॉगर मम्मा मेरी सो रही है। हाँ सो लिए तो बाबू चालू कर रहा ब्लॉग। कर दो ब्लॉग चालू, गुड मॉर्निंग बोल के चालू कर दो। तो गुंडा गुंडेगर्दी करोगे, होते होते दबा ले। हाँ गुंडेगर्दी नहीं करता। यहाँ सब मेरे को एलोवेरा लगा रही है एजल, और मैं मोबाइल देख रही हूँ, मगर वो तोड़ के एलोवेरा देखती है ना, मम्मा लगाती है एलोवेरा अपने बाल में, तो तोड़ के लेके आई है एलोवेरा कि मम्मा अब हम देख सोच ही रहे हैं कि ये क्या कर रही है, जब मुड़ के देख रहे हैं तो देख रहे हैं एलोवेरा लगा रही है। फिर हम जल्दी सा मोबाइल देखना छोड़ने के बाद हम कहेंगे ला दे रिकॉर्ड करते हैं इसका, कि कितने माशाल्लाह बहुत समझदार है मेरी बेटी। तो उस वक्त तो रिकॉर्ड किए थे तो वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि बहुत आवाज़ हो रहा था, कूलर चल रहा था ना, दूसरे रूम में थे। एसी वाले में तो एसी वाले में भी आवाज़ होती है मगर इतनी नहीं होती है, कूलर वाले में ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो इसलिए वॉइस ओवर दे रहे हैं कि चलो ठीक है देखते हैं। ऐसे ऐसे बड़ा आवाज़ हो रहा तो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए वॉइस ओवर करके दिखा रहे हैं कि देखिए माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो देखती रहती है कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, फिर उसके बाद वो काम अपने आप से ही करना चालू कर देती है। तो फिर वही हम बोल रहे थे कि आपको कौन बोला। यहाँ गए थे हम लोग स्टॉल लेने दुपट्टा डाई करने के लिए, बाहर निकले थे। देखिएगा यहाँ पे स्टॉल, ये भी पसंद आया था मेरे को, मगर कपड़ा बहुत अच्छा नहीं था, खर खर कर रहा था और पैसा भी ज़्यादा दे रहा था। मेरे को सॉफ्ट स्टॉल चाहिए था, वो वाला मैंने लिया। यह जल अपने पापा का नाम लिखी, अपना नाम लिखवाइए, मम्मा लिख दो, तो उसी के फ़ोटो लिए हम कि बहुत अच्छा लग रहा बेटा। ये अक्सर बाबू को जब इससे मोबाइल छीन लो ना, तो ये बाबू को ऐसे ही तंग करती है कि मतलब ऐसे तंग करते रहेंगे तो मम्मा मोबाइल दे देगी मेरे को, और ये देखते रहिएगा ऐसे करती है ना कि डर लगता है कि कहीं उसको लग वग ना जाए बाबू को।